हम इस देश को बदलने आए हैं जी। हम इस देश में हर उस भ्रष्टाचारी को जेल में भिजवा देंगे जी जो भ्रष्टाचार कर रहा है। जन आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे जी। कुछ ऐसे ही बातें करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में तो आ गए। अब सत्ता में आने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को बढ़ाते हुए उन्होंने और क्या-क्या चीजें की हैं वो देखने लायक हैं। महागठबंधन के लिए उन्होंने किन-किन लोगों से हाथ मिलाया है और क्या-क्या बातें कही हैं वो भी देखने लायक हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल तब से अब तक क्या कहते आए हैं और अब क्या कह रहे हैं और तब क्या कह रहे थे। साथ ही साथ हम बात करेंगे दिल्ली में हो रही ठंड से मौतों की और भगवंत मान की कुर्बानी की। तो आप देखते रहिए आज की ताजा खबर, बहुत दिलचस्प मामला होने वाला है। तो दोस्तों, एक तस्वीर सामने आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल शरद पवार का हाथ पकड़े हुए, हाथ उठाते हुए कह रहे हैं कि अब मैं संतुष्ट हूं। आप सुनिए उनकी जुबानी। कई पार्टियों के नेतागण जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, उन सब लोगों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं जब आज आया था बहुत बड़ी चिंता लेके आया था, लेकिन आज इतना बार जनसमूह देख के और स्टेज पे बैठे हुए इतनी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को देख के आज मैं सुकून के साथ वापस जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये कुछ उसी प्रकार की संतुष्टि थी जिस प्रकार की संतुष्टि अरविंद केजरीवाल को तब मिली थी जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को हग किया था स्टेज के ऊपर खड़े होके। अब उसके बाद जब कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई और कहा गया कि आप चारा चोर के साथ गले मिल रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि वो स्टेज पे थे और अपने आप आके मुझको गले मिलने लग गए, मैं तो वहां पर नीतीश कुमार को मिलने गया था। लेकिन आज वो होशो हवास में शरद पवार का हाथ पकड़कर उसको उठा रहे हैं स्टेज पर, उनसे गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं मैं संतुष्ट हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं कि सारे नेता मुझसे मिले हैं। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं दोस्तों जो अब तक शरद पवार को कोसते रहते थे, कहते रहते कि सबसे करप्ट आदमी है इस पॉलिटिक्स का। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत करप्ट हैं वो। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अब तक इन सभी नेताओं को कोसते रहते थे। हम आपको कुछ पुराने ट्वीट्स इनके दिखाते हैं, आप ये पढ़िए, जिसमें नवेंदु नाम का ये आदमी जो कि आम आदमी पार्टी सपोर्टर है वो ये कह रहा है कि भाई देखिए, शुक्र है आम आदमी पार्टी बन गई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ, अगर ये ना हुआ होता तो मुझे कहीं ना कहीं शरद पवार को सपोर्ट करना पड़ता। लेकिन आज वही नवेंदु क्या कहेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है। उधर से अंकित लाल का ये ट्वीट देखिए जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के एक बयान को छापते हुए कह रहे हैं कि भाई आई वोंट बैक ममता बनर्जी इवन इफ अन्ना जी बैक हर। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे ने एक बार ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था और कहा था कि ममता बनर्जी को वोट दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल का उस बात पर बयान यह आया था कि अगर अन्ना जी भी ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो भी मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा। और आज क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। उधर से जब हमारे यहां पर डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कुछ ट्वीट्स किए थे। उस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने तीन सवाल पूछे थे नरेंद्र मोदी से, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसके पास ब्लैक मनी है। सबसे पहला सवाल था हु हैज द ब्लैक मनी, जिसमें उन्होंने पूछा अडानी, अंबानी, शरद पवार, बादल, सुभाष चंद्रा और हाउसवाइफ, ग्रॉसरी शॉप, लेबरर, फार्मर। तो यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्लैक मनी जो है वो शरद पवार के पास है और आज उसी शरद पवार का हाथ थामे ये हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए गा रहे हैं। उधर से दूसरा ट्वीट आप देखिए, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये मोदी जी की सच्चाई है, शरद पवार के साथ मिलकर देश के काला धन को दूर करेंगे। मोदी जी को लाइनों में खड़े लोग चोर नजर आ रहे हैं और शरद पवार ईमानदार, लेकिन आज ये हमजोली बने एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल और शरद पवार। उधर से अगला ट्वीट भी आप देखिए, उसमें कह रहे हैं कि शरद पवार, सुभाष चंद्रा, अडानी, अंबानी, बादल बहुत खुश हैं,
महिलाएं, व्यापारी, किसान, मजदूर आज बहुत चिंतित हैं जब पीयूष गोयल ने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एक ट्वीट किया था। वही अरविंद केजरीवाल आज साथिया साथिया गाना गाकर कह रहे हैं कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब दोस्तों इन ट्वीट से चलते हैं सीधा भाषण पर जो 2014 में अरविंद केजरीवाल दे रहे थे और कह रहे थे कि देखिए काला धन किन किन के पास है, चोर कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है। उन भ्रष्टाचारियों के जब नाम गिनवाए जा रहे थे तो शरद पवार का नाम उस लिस्ट में बहुत ऊपर था। तो आप ये भी देखिए, जगनमोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर बोल रहे हैं तो ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं। कई पार्टियों के नेतागण जो स्टेज पे बैठे हुए हैं उन सब लोगों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं जब आज आया था बहुत बड़ी चिंता लेके आया था, लेकिन आज इतना बार जनसमूह देख के और स्टेज पे बैठे हुए इतनी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को देख के आज मैं सुकून के साथ वापस जा रहा हूँ। अब दोस्तों एक पुराने आम आदमी पार्टी के नेताजी हैं जिनका नाम है मयंक गांधी। मयंक गांधी ने 3 ट्वीट किए अरविंद केजरीवाल की इस हिपोक्रेसी के ऊपर। मयंक गांधी ने पूरा कच्चा चिट्ठा इन्हीं 3 ट्वीट्स में खोल दिया कि अरविंद केजरीवाल क्या है और क्या नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आने के लिए ललायत थे 2014 में, तो उन्होंने कांग्रेस को हटाओ, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ये है, घटिया है, बेकार है, ये है, वो है, ऐसा कर करके उन्होंने सत्ता हासिल की। उसके बाद 49 दिन की सरकार जो उन्होंने बनाई, तो उस 49 दिन की सरकार के बाद उन्हें लगा कि मैं तो प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। उन्होंने सत्ता छोड़ दी और प्रधानमंत्री पद के लिए वो उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ से और सीधा मोदी को चैलेंज कर दिया, वाराणसी में जाकर चुनाव लड़ लिया। लेकिन उसके बाद उनकी दाल नहीं गनी और उनको तो लगा कि भाई हमारे हाथ से तो अब दिल्ली भी चली गई, अब हम क्या करें। फिर उसके बाद 2015 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़े। अब फिर से जब चुनाव लड़े और उनको एक बात का पता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि किरण बेदी को सीधा पैराशूट से उतार दिया गया है और किरण बेदी ने जिसने कुछ काम नहीं किया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको सीधा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया है, तो ऐसा पार्टी को नहीं करना चाहिए था। तो अरविंद केजरीवाल ने एक गेम खेला। वो गेम क्या खेला, अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह पर पोस्टर लगा दिया, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पोस्टर लगा दिया। और वो पोस्टर क्या था, वो पोस्टर कहता था कि देश में मोदी, प्रदेश में अरविंद केजरीवाल, यानी कि पीएम पद के लिए मोदी सही है और दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल सही है। इस तरीके के उन्होंने बैनर्स लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद अब जब 2019 के चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, वो उसी ढर्रे पर उसी तरीके से जैसे कांग्रेस को बैश कर रहे थे उसी तरीके से आज वो भारतीय जनता पार्टी को बैश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखिए बीजेपी इतनी घटिया है, ऐसी है, वैसी है। वो आप इस भाषण से साफ तौर पर समझ सकते हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई दोस्तों, ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। 1931 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। जब हिटलर और जर्मनी का चांसलर बना 1931 में, कुछ महीनों के अंदर उसने देश का संविधान बदल दिया, उसने चुनाव खत्म कर दिए। और जब तक हिटलर मरा नहीं वो जर्मनी का चांसलर रहा। जो हिटलर ने किया था मोदी और अमित शाह की वही मंशा है, वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, वो इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहते हैं, वो इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ भी करो, 2019 में इनकी जोड़ी को दोबारा सत्ता। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल की हिपोक्रेसी का अगला लेवल हम आपको दिखाते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, इस तरीके की रिपोर्ट्स इन्होंने देनी शुरू करी थी, तो उसके बाद पत्रकार के साथ क्या किया था वो आप देखिए। और उसके बाद हम
आज का सिनेरियो दिखाते हैं दिल्ली का। डिजिटाइजेशन से हम डायरेक्टली उनको एकदम से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये जनता देख रही है कि बीबीसी वाले कितने ईमानदार हैं। अरविंद जी, 55 लोग मर गए देश के अंदर, अरविंद जी 500 और 1000 रुपए के नोट खत्म होने से, और ये बीबीसी वाले कह रहे हैं इसके साथ लोगों का ये लोगों का ये इनकी ईमानदार पत्रिका। अरविंद जी ये बहुत गंभीर मामला है, ये बिल्कुल गंभीर मामला है। 55 लोगों की मौतों को, 55 लोगों की मौत हो गई इस देश के अंदर, और वो लोगों के लाइन में खड़े होने से मौत हो गई। मुझे शर्म आती है कि आप जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि उसको लिंक नहीं किया जा सकता। कैसे लिंक करेंगे, ये बहुत कैसे हुई मामला है, कैसे लिंक करेंगे इसको, कैसे हुई इनकी मौत 55 लोगों की, और आप कहते थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस, जांच कराओगे आप इनकी? एक बात बताइए, आप इनकी जांच कराओगे? अब दोस्तों दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, और दिल्ली में ठंड के कारण 331 लोगों की मौत हो चुकी है 2019 में, 331 लोग। और जिसमें अगर हम बात करें पिछले 14 दिनों की, यानी कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक की, तो उसमें 96 लोग मारे जा चुके हैं केवल ठंड के कारण। तो दोस्तों ये इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है? और ये जो आंकड़े हैं ये हमेशा से ही बढ़ते आ रहे हैं। 2016 में 164 लोग ठंड से मारे गए थे, 2017 में 195 लोग ठंड से मारे गए थे, 2018 का ऑफिशियल डेटा हमें मिला नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में यानी कि 5-6 दिनों के अंदर अंदर 44 लोगों की मृत्यु 2018 में हुई थी, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने ब्लेम कर दिया था एलजी को। और उसके बाद 2019 में अब जब इतने लोग मारे जा चुके हैं, 1 जनवरी से 14 जनवरी तक 96 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल शांत बैठे हैं। शायद इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और ये अपने महागठबंधन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उधर से हम दूसरी ओर बात करते हैं कि एक कुर्बानी की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि कह रहे हैं कि देखिए भगवंत मान ने बहुत बड़ी कुर्बानी कर दी है। भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अरविंद केजरीवाल सिखों के बीच में, सरदारों के बीच में बैठकर यह बोल रहे हैं कि देखिए इसे कहते हैं कुर्बानी, दारू छोड़ दी तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो सरदार जो सरदार भगत सिंह जैसे शहीदों को देख चुके हैं, उनकी कुर्बानी को देख चुके हैं, वो 4 साहिबजादों की कुर्बानी को देख चुके हैं, वो गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी को देख चुके हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई जो कुर्बानी होती है वो दारू छोड़ना होती है। जो ये कुर्बानियां हैं ये कुर्बानियां थोड़ी हैं, असली कुर्बानी तो दारू छोड़ना है। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर 1 साल में 400 नए ठेकों को लाइसेंस दे दिया। ये योगेंद्र यादव के डेटा है, और जब इनसे आरटीआई करके पूछा जाता है तो उस आरटीआई में हर बार ये अलग ही फिगर दे देते हैं। तो ये है अरविंद केजरीवाल की असली सच्चाई, असली हिपोक्रेसी, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शराब हो, या फिर वो हो लोगों की मृत्यु, कहीं पर भी संवेदना हमें दिखाई नहीं देती है। तो उम्मीद करते हैं ये जो पूरा डेटा है, पूरी जो वीडियो है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ हमें आप patreon.com पर मदद जरूर कीजिए। वहां पर आप जो हमें मदद करते हैं वो हमें बहुत हेल्प करती है हमारे डेटा को इकट्ठा करने में, हमें बेहतर काम करने में। तो उम्मीद करते हैं आप हमें यहां पर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को जरूर दबाएंगे, हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे। आप देख रहे हैं आज की ताला खबर। जय हिंद, जय भारत।